ये आप देख सकते अभी मेरे सर के ऊपर बहुत मतलब कुछ ही सेकंड में मतलब इतना दूर चला गया, लाइक 300-400 meters आराम से चुटकियों में चला जाता है यार। गुवाहाटी का जो फिल्म सिटी है वो उस साइड पे आगे में, यहाँ पे भी बहुत सारे सीन शूटिंग चलता रहता है। हे हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप मेरे चैनल पर आपका स्वागत है विवेक डायरीज पे। तो आज हमारा जो सीन है ये सीन होगा आपका ड्रोन का सीन है जो आपको बता रहा था मैं। तो आज ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ब्रदर वो आ गया है और देव भी साथ में है। तो आज हम लोग कुछ सीन लेंगे, ये खोले तो मास्क खोले तो, और एक्चुअली धूप है तो इसलिए मैंने ये सनग्लास पहन लिया। ये आपका ये जो आपका व्यू पॉइंट दिख रहे हो ये पूरा लिया जाएगा ड्रोन से, ठीक है, ये ड्रोन से लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट सीन था वो कंप्लीट हो गया, अपन वो सेकंड सीन करेंगे वहाँ पे आगे जाके करेंगे। अभी जो मेरा सीन होगा बहुत खतरनाक सीन होगा, यहाँ से मैं बिल्डिंग के साइड पे जाऊँगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग भी डर जाओगे शायद। ये देखिए, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ओके डन, रेडी, अभी नेक्स्ट वाला ये वाला शूट हो गया सेकंड वाला, अभी हम लोग थर्ड सीन हम लोग वहाँ पे उस साइड पे लेंगे। चलो ये हमारा शॉट सेकंड शॉट हो गया, और ये जूलियस मेरे ब्रदर, ये लोग ड्रोन वोन चलाते हैं। अगर कुछ भी आपको गुवाहाटी में कुछ भी ड्रोन वगैरह चाहिए तो आप जूलियस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक वगैरह दे दूंगा। और देव तो हम लोग बहुत मजे से कर रहे हैं, शूट वगैरह कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और अभी नेक्स्ट थर्ड शूट के लिए जाएंगे अलग लोकेशन। अभी एक सीन था हम लोग का, विवेक एक गैरेज के सामने रहता है, मतलब गैरेज में रहता है, और ये सडनली टेलीपोर्ट होके ऊपर चला जाता है। हम लोग अभी ड्रोन से हम लोग ऊपर जाने वाला शॉट, एक शॉट लेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं एक राज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीन लेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे रहता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर उड़ के चला जाता हूँ। और यही सीन गैरेज सीन। तो बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है सीन, तो ये वाला थर्ड सीन है। और फिर हम लोग वही जाएंगे जंगल पे, तो जंगल पे भी शूट रहेगा अभी। एंड नाउ ये फोर्थ लोकेशन जहाँ पे लास्ट टाइम लोग शूट करने आए थे, यहाँ पे मेरी कॉस्ट्यूम के साथ, और यहाँ पे ड्रोन स्टार्ट हो गया। और हम लोग जो व्यू दिखाएंगे आपको, ये देखिए जो ट्रेन का लाइन देख रहे हो आप, वहाँ तक हम जाएंगे, और ये जो साइड जितने व्यूज एरियल शॉट्स वगैरह हैं हम यहाँ पे ले लेंगे उनको अच्छे से। पैसा लगे वो। बहुत काफ़ी, अरे बाप रे बाप, बहुत जल्दी दूर चला गया यार, बहुत बेसी उनका लगे बोल रहे दूर, बाप रे बाप।
मतलब कि हाँ विश्वास करो बहुत, मतलब कुछ सेकंड में मतलब इतना दूर चला गया, लाइक 300-400 meters आराम से चुटकियों में चला जाता है यार, बहुत सही है, परफेक्ट। और ये सीन आप देख सकते हैं, ये हम लोग पूरा ऊपर से ले जाएंगे, बहुत ही फैंटास्टिक सीन है ये। सर के ड्यू टू सेंसर की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते। अभी हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए, ये जंगल पे है पूरा। सो हम लोग अभी जंगल पहुंच गए, जंगल में भी सीन होगा, यहाँ पे एक दौड़ने का सीन रहेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम दौड़ेंगे और ये जितना भी हमारे जो मूवीज़ में जो जंगल का सीन है वो यहीं पे हम ले रहे हैं। और ये जगह लोकेशन है ये आपका टीवी टावर के वहीं पे आपका, फिर एक राइट साइड भी छोटा सा एक रास्ता था तो हम वहीं से अंदर आके फिर ये एक्चुअली ये बहुत एक नया रास्ता बनाया गया, एक्चुअली पूरा जंगल था, उसके बाद इन लोगों ने एक रास्ता बनाया यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं वह आगे कहाँ जाता है। तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे 1-2 घंटे शूट करके फिर हम लोग फिर इवनिंग का एक सीन करेंगे, ड्रोन का सीन, और वो देख सकते हैं ड्रोन अभी हम लोग उड़ चुका है। और उस साइड पे आपका जो हमारा गुवाहाटी का जो फिल्म सिटी है वो उस साइड पे आगे में, यहाँ पे भी बहुत सारे सीन शूटिंग चलता रहता है सिनेमा फिल्म के, और भी बहुत सारी हिंदी मूवीज़ के भी शूट हुए यहाँ पे। तो आज हम लोग एक फिल्म सिटी के पास ही है लगभग, तो उड़ चुका है और अब मेरा सीन भी अभी रेडी होने वाला है। चलिए ये आप देख सकते अभी मेरे सर के ऊपर, ऐसे ही मतलब अभी गर्मी दिन में अभी ऐसे ही हवा लेना पड़ेगा ड्रोन के आगे, ड्रोन के नीचे। हाँ काफ़ी दिनों बाद दौड़ रहा हूँ मैं तो इसलिए मतलब, तो ये चल रहा है यहाँ पे। और मेरा जो पैर में जो चोट लगा था मैं सोचा था कि अच्छे से दौड़ नहीं पाऊँगा, बट कोशिश किया मैंने कि मैंने दौड़ा अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है सर ना, अभी तुम जाप मारो, चलो अभी जाप मारेगा। बढ़िया बढ़िया। तो ये वाला दौड़ जो दौड़ना वाला सीन था यहाँ पे हो गया। अरे कैसे दौड़ा मुझे पता है, खुट्टे पे वो आता ना चोट पहुँचा था, तो फिर भी मैंने कोशिश किया मूवी के लिए। क्या पहनो? हाँ